पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जोरों पर है। सातवें चरण के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके चलते सभी राजनीतिक और निर्दलीय प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी को लेकर उज्जैन आलोट के संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने महाकाल के दर्शन किए, फिर रैली के रूप में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकले। उज्जैन के मालीपुरा में फिरोजिया का स्वागत किया गया और सभा आयोजित की गई। इस आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए मौजूदा कमलनाथ सरकार पर जमकर आरोपों के बाण चलाए। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के साथ नामांकन के समय पूर्व सांसद सत्यनारायण जटिया, पूर्व मंत्री थारव चंद गहलोत और उज्जैन के पूर्व सांसद चिंतामन मालविया मौजूद थे। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय थारव चंद जी और आदरणीय चिंतामन जी आए थे और प्रस्तावक के माननीय जटिया जी और थारव चंद जी सबमिट करके वहाँ लेकर आए। क्या माहौल लगा आपको पूरी लोकसभा के अंदर? आप कई जगह घूम चुके हैं, इस तरह से आपको उम्मीद है कि आप? माहौल बड़ा अच्छा है, मोदी की लहर नहीं आंधी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विजय होगी पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार। जब आप गांव में जाते हैं या शहरों में घूमते हैं तो क्या आपको लोग बताते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं जो आपको पूरी करना है? लोग तो अभी कांग्रेस से नाराज है, जो 2 लाख रुपये कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ और महिलाओं का जो सहायता समूह का, तो वो कह रहे कि हमको ठग लिया, ये कर लिया, वो तो बोल ही रहे। और लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, वो 19 तारीख मत करो।